निगरानी विभाग की टीम ने एक भ्रष्ट इंजीनियर को 16 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निगरानी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी। बताया जा रहा है कि भ्रष्ट इंजीनियर के घर से अकूत संपत्ति बरामद की गई। वहीं छापेमारी के दौरान इंजीनियर की पत्नी ने कुछ रुपयों के बंडल बाथरूम बंद कर जला दिए और उसे कमोड में डालकर बहा दिया। हालांकि कितने रुपए इंजीनियर की पत्नी ने जलाए इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। निगरानी की टीम ने पटना के बेली रोड के निकट अपराजिता पार्वती विला अपार्टमेंट में छापा मारा था। गिरफ्तार इंजीनियर का नाम अरविंद कुमार है और वे कटिहार में पथ निर्माण विभाग में तैनात है। अरविंद कुमार ने 83 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए 83 लाख रुपए घूस की मांग की थी। इसकी पहली किश्त के तौर पर 16 लाख रुपए कैश लेते पकड़ा गया। वहीं रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बावजूद अरविंद कुमार खुद को बेकसूर बताने से बाज नहीं आया। सब फंसाया जा रहा है सर, सब फंसाया जा रहा है, सब फंसाया जा रहा है हमको। सब ठेकेदार का सर धांधली है। तीन बार हमको धमकी दे चुका है ठेकेदार के, आपको फंसा देंगे। क्या नाम है इंजीनियर साहब का? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ठेकेदार का धांधली अरविंद। अरविंद कहाँ पे थे आप? हम कटिहार में से सर। ठेकेदार तीन बार सर हमको धमकी दे चुका है, सबको सर धमकी दे चुका है कि फंसा देंगे। एक पैसा हम नहीं लिए हैं सर, हम अधेड़ा पर आया है तो हम भगाए हैं कि जल्दी भागो जल्दी भागो, लेकिन वो लोग भागा नहीं और जबरदस्ती सर रख के फंसाया जा रहा है। निगरानी विभाग को इस भ्रष्ट इंजीनियर को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहिए, तभी भ्रष्ट अधिकारियों के दिल में कानून का खौफ कायम होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।